हेलो फ्रेंड्स, वरुण हियर, वेलकम बैक टू थ्रिलर बोनसाई। आज हम लोग काम करेंगे ऑन दिस वेरीगेटेड शेफ लेरा ट्री गाइस। इसको हम लोग ने इस पर्टिकुलर पॉट में लगाया था फर्स्ट टाइम एक्जैक्टली वन ईयर बैक, जब भी हम लोग ने इसको नर्सरी से लाया था एंड वी हैड प्लेस्ड इट इनसाइड दिस पर्टिकुलर पॉट। एंड तभी हम लोग ने कुछ मैसिव रूट प्रूनिंग किया था, इसको बहुत ही हार्ड रूट प्रूनिंग किया था एंड ग्लैड टू हैव दिस पर्टिकुलर ट्री सर्वाइव दैट ऑपरेशन। एंड आज एक साल बाद हम लोग इसको वापस से रिपोर्ट करने वाले हैं, बेसिकली टू सी हाउ वेल द रूट्स आर फॉर्म। एंड दूसरी चीज, मतलब वी हैव टू चेंज द सॉइल बिकॉज ये थोड़ा सा मॉइस्चर ज्यादा रिटेन कर रही है, सो वी हैव टू चेंज द बोनसाई सॉइल। सो कीप वॉचिंग थ्रिलर बोनसाई गाइज, स्टे ट्यून्ड। सो गाइज, दैट्स आर वेरीगेटेड शेफलेरा ट्री एंड इसको बहुत ही हार्ड रूट प्रूनिंग किया था एंड अच्छे से रिकवर हुआ है। एज यू कैन सी फोलियज ऑन टॉप looks decent and it's producing new growths as well, so the tree is definitely healthy, doing good। So agar usne itna strong pruning sustain kiya tha to aaj ka repotting bhi kar hi lega। This is a strong tree and it often makes a very good bonsai guys, variegated shefflera। So sabse pehle isko hum log purana soil jo hai ab dekh sakte ho isme pumice rocks and all, it's all dirty, isko hum log remove karenge and we'll plant it in a fresh bonsai soil which is mostly gravel एंड अ बिट ऑफ परलेट। सो चलिए इसको रिमूव करते हैं। सबसे पहले बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रिटेन कर रहा था ये, सो आई यूज टू वाटर इट वंस अ वीक और मे बी वंस इन टू वीक्स। पहले एक ऊपर का लेयर रिमूव कर देते हैं। इजीली रिमूव हो गया है। यू कैन सी हाउ मच मॉइस्चर दिस इज रिटेनिंग, देख सकते हो। दिस इज बिट मोर देन आई एक्सपेक्ट। सो लेट अस क्लीन द रूट्स नाउ। सो लास्ट टाइम इसको जो भी प्रून किया था बहुत ही हार्श कट दिया था, इसको कुछ भी रूट्स नहीं थे। आप मेरा वीडियो देख सकते हो एक साल पहले वाला एंड देखते हैं अभी क्या है इसका सिचुएशन आफ्टर वन ईयर, व्हाट हैज हैपेंड। So you can see so many new growths, root growths, you can see they have been produced and are healthy. सो हियर इट इज। सो इसको हम लोग ने लास्ट टाइम इधर प्रून किया था ये रूट को, वी हैड नॉट रिमूव दिस रूट बिकॉज इट वॉज बेंट, बट दैट वॉज अ वेरी हार्श डिसीजन टू मेक वेदर टू कट दिस रूट और नॉट। सो विल ट्राई टू स्ट्रेटन दिस अप टूडे एंड जो दूसरे रूट्स थे वो मैंने पूरे प्रून किए थे यहाँ पे, यू कैन सी दिस वन वॉज प्रून हियर। सो इसको बहुत सारे नए रूट्स आ गए हैं विच इज़ अ गुड थिंग। देन इवन यहाँ पे उसको प्रून किया था शायद, सो दिस वन हैज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड सो मेनी न्यू ग्रोथ्स ऑन दिस साइड विच इज़ गुड। So that's a good progress the tree has made. Thoda sa wash karenge isko, we'll work upon the roots and then plant it again.
सो गाइज बिफोर प्लांटिंग दिस वील हैव टू वॉश आवर पॉट एज वेल, तो वो मैं फटाक से कर लूँगा। जस्ट गिव अ रिंस टू द पॉट। That's decent now. अभी इसको थोड़ा सा होल्स मारना पड़ेगा बिकॉज द एग्जिस्टिंग होल्स नॉट लुकिंग दैट ग्रेट, सो थोड़ा होल्स मारूंगा इसको अच्छे से। Okay, so let's work on the roots first before planting this particular tree. So, ध्यान से स्टडी करना होगा रूट्स को। सो वी कैन सी दिस वन वी हैव टू रिटेन बिकॉज बहुत ही अच्छे से फ्लो हो रहा है रेडियल डायरेक्शन में। दिस वन वी हैव टू थिंक बिकॉज ये बेंड हो रहा है एंड टर्न हो रहा है, सो वी मे नॉट वॉन्ट दिस रूट, सो वी मे हैव टू थिंक ओवर इट। बाकी का नीचे का इज ओके, दैट्स फाइन। सो वील ट्राई टू मेक इट स्ट्रेट इफ पॉसिबल, अगर ब्रेक हुआ तो भी नो वरीज। It's becoming straight. Yeah, ऐसे रख सकते हैं इसको। This looks decent. Yeah, now it is straight. You can see. थोड़ा सा यहाँ से break हुआ है, but I think that will recover. Let's see. So here we go. We'll have to keep it like this. इसके roots को हम लोग को ज़्यादा prune नहीं करना है because I think they are looking okay. एक बार length check करेंगे pot में रख के। इसको ऐसे लगाएंगे। These few roots are growing too big. इसको थोड़ा सा prune कर देंगे हम लोग। कैची से थोड़ा सा prune कर देंगे। ये जो बड़ा root है इसको यहाँ पे slip this. These ones, I think they are okay. They are flowing in one direction. इसको हम लोग ने पेंट किया है ऑलरेडी, सो आई थिंक दैट वन शुड लुक गुड। एंड यहाँ पे एक रूट है जो काफ़ी बड़ा ग्रो कर रहा है, इसको थोड़ा प्रून करना होगा अपने को। विल डू दैट हियर। आई थिंक दैट्स ऑल। बाकी के जो रूट्स हैं इसको भी थोड़ा सा प्रून कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर रूट को थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, अबाउट दैट मच। So obviously this will be the front of this tree because ये Y shape है, तो एनी टाइम दिस इज द फ्रंट। या आई थिंक वी शुड बी रेडी टू प्लांट इट लाइक दिस। दिस और दिस दोनों की साइड है बिकॉज दोनों सेम साइड का पॉट है, तो दिस इज द फ्रंट ऑफ दिस ट्री। बिकॉज दिस इज अ रेक्टेंगुलर पॉट सो डजंट मैटर। या आई थिंक वी कैन प्लांट इट ना। इसको थोड़ा सा कम करना है, शायद इसको थोड़ा सा कम करेंगे बस, ये बाहर फ्लो हो रहा है। दैट ऑफ हियर, दैट इज परफेक्ट, दैट इज परफेक्ट। आई थिंक ये रूट अभी भी थोड़ा सा इस तरफ आ रहा है, सो वी हैव टू होल्ड इट टाइट लाइक दिस एंड देन पुट द सॉइल ऑन इट। सो आई ब्रिंग सम सॉइल, फ्रेश बोनसाई सॉइल। सो एक लेयर नीचे ऐड करते हैं। This should be okay. इसको हम लोग ऐसे लगाएंगे। So making sure the roots are spreading in the radial way. And ये जो root है, more careful about this. So it should be in this direction, like this over here. Perfect. ऐसे।
Then you can put more soil on it. And the remaining roots are all flowing in a nice radial plane. So time to remove air pockets now and इसको tighten up करना होगा. वैसे हो गया tight but still we need to do it. I think that should be enough. काफी tight हो गया अभी. That's all. एक बार आपको इसका view दिखा देता हूँ मैं from all sides. This is a beautiful bonsai tree. So ये है from all the sides, guys. So अभी इसको watering देते थोड़ा. So that was our recording. Now let's take a look at today's updates. So in our today's update, this is our pink shower tree. इसको हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में काम किया था. And you can see new growths coming on top यहाँ पे. So this tree is doing good. It has survived nicely. And more to update, we have bohunia tree. इसके ऊपर reporting किया था previous videos में. And उसको बहुत बड़े-बड़े leaves आ रहे हैं यहाँ पे. Too big, isn't it? You can see the size of the leaves about my palm. बहुत बड़े leaves आ रहे हैं इसको. Then we have ये है kapok tree. और kapok you can see this is Malabar silk cotton tree. Bombax ceiba इसके ऊपर reporting किया था. And besides that we have the island ficus microcarpa. इसके बाजू में ये blueberry का tree है. पीपल ट्री. सो दे ऑल आर डूइंग गुड. सो यहाँ से आपको एक व्यू देखने को मिल रहा है ऑफ ऑल माई ट्रीज. एंड हियर इज द हवाईयन हॉली ट्री या ली बर्गेंडी ट्री गाइस. सो इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया था एंड कटिंग इज नाउ ग्रोइंग वेरी वेरी वाइल्ड. यू कैन सी कितना मस्त फॉलीज का कलर आ गया है. बहुत सारे ब्रांचेस लीव्स उसको आ रहे हैं एंड इट हैज सर्वाइव नाइसली इंडीड. Guys, that's all for today. As usual, अगर आपको पसंद आया होगा तो make sure you like this particular video and subscribe to my channel Thriller Bonsai. Thanks a lot once again from myself Arun.
for watching this particular video. Goodbye, take care, and have a very good day.